सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो को आप टॉपिक्स देख के समझ ही गए होंगे और आप लोग बताएं कमेंट में कि किस किस की तरफ आज इस तरह का मौसम है। हमारे कल रात से बारिश हो रही है, ठीक है, और आज हज भी है, तो सब मुसलमानों को मेरी तरफ से हज मुबारक, ठीक है। और एक छोटा सा वजीफा ही कह लें, मैं आपको बता देती हूँ हज के रिलेटेड। तो आज क्योंकि हज है, हज का दिन है, तो हज वाले दिन जोहर से लेकर असर तक, मतलब जोहर और असर के दरमियान में जो टाइम होता है, हज़ार दफ़ा सूरत इख़लास पढ़नी है आपने, और वो पढ़कर आप जो भी दुआ मांगेंगे जायज दुआ, वो आपकी ज़रूर कबूल होगी। तो ये सिर्फ आज के दिन के लिए ही है, तो आप इसे सबके साथ शेयर करें ताकि इसे सब पढ़ सकें। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी सी टिप्स बता दूंगी जो आपने कर लेनी। अगर आप कोई रेमेडी या कोई ऐसा फार्मूला वगैरह ट्राई नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल आइस क्यूब लें, आप उनको अपने डार्क सर्कल पर मसाज करें 5 से 6 मिनट तक। एक वीक तक आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके डार्क सर्कल जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ, लेकिन इस रेमेडी को भी बताने से पहले मैं आपको एक बता दूं, इस तरह का जो चम्मच होता है वो आपने लेना है, ठीक है। आपने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे आपने इसको रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रीज़र में रखना है, ठीक है, फ्रीज़र में रखना है। और आपने उसके बाद अपनी आँखों को, आँखों के दरमियान जो है, मतलब आँखों के ऊपर आपने इसको इस तरह रखना है, ठीक है, दोनों 2 स्पून रखने हैं आपने, दोनों आँखों पे आपने इस तरह रखना है, ठीक है। इस तरह, इससे भी आपकी जो डार्क सर्कल है वो कम हो जाएंगे। आप इसको भी एक वीक तक ट्राई करें, ठीक है। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए 2 इवियन के कैप्सूल, विटामिन ई के कैप्सूल, ठीक है, ये इजीली हर घर में होते हैं, या नहीं तो आपको कहीं से भी आसानी से स्टोर से मिल जाएंगे। और एक चाहिए चम्मच हमें एलोवेरा जेल, ये आप घर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो आप ये वाला बाजार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात यह है कि डार्क सर्कल ज़्यादा इससे भी हो जाते हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठना, इससे भी होता है। तो आप नींद पूरी कीजिए तो इससे भी आपके डार्क सर्कल जो है सही हो जाएंगे। तो मैंने एवियन की 2 कैप्सूल निकाल ली हैं, ठीक है, थीके? अभी मैं एलोवेरा जेल का 1 स्पून ले लूँगी, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि एलोवेरा की जेल कुछ इस तरह से जो बाहर की होती है, बाजार की होती है, घर वाली थोड़ी सी इससे अलग होती है, लेकिन आप ये वाली यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं एवियन के कैप्सूल का ऑयल निकाल लेती हूँ। एक बार फिर आपको बता दूँ कि हमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल और 1 स्पून हमें चाहिए एलोवेरा जेल। अगर आपके पास घर वाली जो है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जल्दी इसका टेक्स्चर इस तरह का नहीं होता, उसका टेक्स्चर जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आप ये बाज़ार वाली यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बन जाएगा इस तरह का। तो हमने ये 2 इवियन के कैप्सूल डाल दिए हैं, ठीक है, मैं अब आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। अब इसे जितनी जल्दी से आपने मिक्स कर लेना है, और जो स्पून के साथ लगा हुआ वो भी साथ से उतार लें, ठीक है। अगर आप इसे हाथ की हथेली पे रख के ना अपनी उंगली के साथ आप मिक्स करेंगे तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर वैसे ही यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं आपको इसे दिखाने के लिए इस तरह कर रही हूँ। आप इसका देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में आ जाती है ना, तो आपने इसे क्रीमी फॉर्म में जब तक नहीं होता आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपने हाथों पे लगा के बताऊंगी कि मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ। आप इसे अपने सारे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लाजमी नहीं आप इसे सिर्फ डार्क सर्कल वाली जगह आँखों पर ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका कलर आप देख सकते हैं, इसका क्रीमी हो गया। तो अभी मैंने ये सारा हाथों पर अच्छी तरह से मल लिया, ठीक है। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और अपने सारे फेस पे लगा लेना है, डार्क सर्कल वाली जगह पे अपने हल्की हल्की मसाज कर लेनी है। ये वाला आपने जो है रात को अप्लाई करना है, ठीक है, सारी रात आपने लगा रहने देना है, सुबह उठ के आपने किसी भी फेस वॉश से ठंडे पानी से धो लेना है, ठीक है। आपने तकरीबन इसको भी एक वीक तक यूज़ करना है, अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगता है तो आप इसे लगातार यूज़ करते रहें। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक में, तब तक मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।